नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहिबुल, मेरा चैनल है माई इलेक्ट्रॉनिक आइडिया। सो दोस्तों, ये जो मेरा हाथ में देखिए एक बीटी प्लेयर है, इसका मॉडल 124 इस साइड में लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, वन टू फोर बीटी। तो इस मॉडल में बहुत फंक्शन दिया हुआ है। देखिए ये दोनों साइड में बटन दिया हुआ है और USB टेप माइक, इसमें फ़ोटो भी दिया हुआ है। देखिए कौन, और देखिए ये जो प्लेयर है इसमें उल्टा करके देखिए, इस साइड में बहुत फंक्शन दिया हुआ है। देखिए फुट की पॉइंट है और ये 5 वोल्ट की पॉइंट। और एक ख़ास बात है, ये जो सर्किट बोर्ड है जो ब्लूटूथ प्लेयर मॉडल है, इसमें ये टैप USB ये सब की बात और दूसरा कोई USB की तरह और ऑक्स केबल की कोई भी पॉइंट यूज़ करना चाहती है तो ये देखिए खाली पड़ा एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में आप यूज़ कर सकती है। और देखिए ये जो दो पिन दिया हुआ है, ये दोनों पिन हमारा FM एंटेना के लिए पॉइंट बना हुआ है। और ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें आप 12 वोल्ट से भी चला सकती है। ये देखिए इसमें 12 वोल्ट की पॉइंट दिया हुआ है, तो 5 वोल्ट से भी चला सकती है, 12 वोल्ट भी चला सकती है ये सर्किट बोर्ड से। और एक ही बोर्ड में ये सभी सामान मिल रहा है। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का डिजिटल है सर्किट बोर्ड, ये देखिए इधर लिखा भी हुआ है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। तो इस ऑडियो प्लेयर को आप बाय करोगे तो इससे आपको फायदा होगा। तो चलिए इसका जो कंप्लीट वायरिंग है उसको सीखेंगे, वॉल्यूम के साथ इसको कैसे कनेक्ट करें उसको भी सीखेंगे। वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करके और एक एम्पलीफायर बोर्ड में इसको कनेक्ट करके इसका जो साउंड क्वालिटी है कितना अच्छा आता है उसको टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा चैनल का नया वीडियो आएगा तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस बोर्ड में ये दो केबल दिया हुआ है। देखिए ये दो केबल जो 3 वायर वाला और 2 वायर वाला, ये जो 2 वायर वाला है ये हमारा 5 वोल्ट की इन पॉइंट है। ये जो 3 पॉइंट का वायर है वॉल्यूम में कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम B100K का, ये वॉल्यूम डुअल चैनल का है। देखिए ये जो हमारा ऑडियो प्लेयर है ये डुअल चैनल का है, ये डुअल चैनल का ऑडियो प्लेयर है, इसीलिए डुअल चैनल का जो वॉल्यूम है उसको ही यूज़ करेंगे। और डुअल चैनल का वायर भी दिया हुआ है। देखिए ये दो साइड का 2 वायर है, ये 2 हमारा लेफ्ट राइट चैनल की है और बीच वाला जो रेड कलर है ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो देखिए ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम डुअल चैनल का है, ये जो 2 पिन जोड़ दिया है, देखिए ये 2 पिन जोड़ दिया है, ये वॉल्यूम का जो कनेक्शन है उसके लिए भी और एक वीडियो बना हुआ है, वॉल्यूम कितना टाइप का आता है उसके लिंक भी दे देंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए इसको कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए मेरा सामने एक बोर्ड है, इस बोर्ड का जो कनेक्शन है कम्प्लीट वायरिंग को पिछली वीडियो में दिखाया था, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए वॉल्यूम का कनेक्शन किस टाइप से किया है, ये देखिए दोस्तों, ये साइड में इनपुट पॉइंट है जो हमारा ब्लूटूथ से सॉन्ग इन होगा उसका लेफ्ट राइट चैनल ये दोनों कनेक्ट कर दिया है। और जो बीच वाला रेड कलर का ये वायर है ये ग्राउंड है, ये दोनों ग्राउंड पॉइंट है, इसमें एक वायर जोड़ दिया है। और जो सर्किट बोर्ड से सर्किट बोर्ड में इन होगा उसका 2 लेफ्ट राइट चैनल, ये जो आउटपुट पॉइंट है ये बीच वाला दोनों आउटपुट पॉइंट है, ये दोनों में 2 लेफ्ट राइट चैनल जोड़ दिया है। और ये जो साइड में ग्राउंड है इस ग्राउंड में एक वायर जोड़ दिया है जो बीच वाला, ये 2 ग्राउंड एक साथ ज्वाइन कर दिया है, इसको वायरिंग हो गया है ब्लूटूथ सर्किट बोर्ड का जो वॉल्यूम का कनेक्ट है। अभी इस बोर्ड में जिस टाइप से ये वोल्टेज रेगुलेटर को कनेक्ट किया था वही कनेक्शन से चला देंगे। तो इसको कैसे कनेक्ट किया है उसको भी
देख सकती है। वीडियो डाला था ये इस बोर्ड का वीडियो में किस टाइप से कनेक्शन किया है सब दिखाया है। तो इस 5 वोल्ट से इस सर्किट बोर्ड को चलाएंगे। ये सर्किट बोर्ड का देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, इसमें 5 वोल्ट इन कर देंगे। तो ये देखिए ये कनेक्ट कर दिया है। प्लस पॉइंट ये जो 5V लिखा हुआ है इसमें प्लस पॉइंट, और जो GND दिया हुआ है इसमें माइनस पॉइंट। और ये जो हमारा आउटपुट पॉइंट है ये बोर्ड से, इसको जो वॉल्यूम से 3 वायर आया है आउटपुट पॉइंट, उस पॉइंट को इस बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। देखिए अभी इसका कंप्लीट वायरिंग हो गया है। अभी इसको टेस्टिंग कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों एसी कनेक्शन से डीसी कनेक्ट कैसे बनाए उसके लिए भी वीडियो 2-3 वीडियो डाल दिया है। देखिए इस बोर्ड में डीसी कनेक्शन नहीं चलता है, ये क्लास डी का बोर्ड है। तो देखिए ये कंप्लीट वायरिंग हो गया है। अभी इसको टेस्टिंग करूँगी दोस्तों। देखिए दोस्तों FM कनेक्ट हो गया, साउंड बहुत कम है, अभी साउंड बढ़ा देता हूँ। साउंड लो कर दिया है। अभी इसका साथ जो रिमोट आया है ये रिमोट को चेक कर देता हूँ। चलिए ओह सॉरी, इसमें तो कोई बैटरी भी नहीं है। इसका साथ जो रिमोट आया है तो इससे टेस्टिंग नहीं करूँगी, इसको छोड़ दिया है। देखिए अभी इधर पॉइंट दिया हुआ है, ये मोड पॉइंट जो है इसमें प्रेस करूँगी। देखिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। फुल वॉल्यूम देखिए। FM मोड, ब्लूटूथ मोड, FM मोड, FM और ब्लूटूथ चल रहा है। ब्लूटूथ मोड, तो इसमें एक मेमोरी इन कर देता हूँ। देखिए देखिए एक मेमोरी कार्ड को इन कर दिया है। Thank you.